drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज के vlog में आप लोगों का स्वागत है. आज हमारा है छठ पूजा और संडे. आज सबकी छुट्टी है, हमारी भी छुट्टी है. आज हम अपनी बाइक को लेकर अपनी बाइक के साथ एक छोटी सी राइड पे निकले हुए हैं. संडे की संडे को मतलब रोड वोड भी खाली होगी. पहले प्लान था सुबह निकलने का, बट सुबह निकल नहीं पाया. एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, उसकी आज छठ पूजा है, तो छठ पूजा का कुछ सामान वामान लेने गए थे हम. अगर मैंने वैसे इसकी वीडियो तो नहीं बनाई, थोड़ा सा बना होगा, उसको मैं ऐड कर दूंगा. अगर मेरे पास क्लिप होंगी उसके फ़ोन में, उस बना तो रहा था वो, थोड़ी बहुत वीडियोस ऐड कर दूंगा. नहीं होगी तो देखते हैं आगे. अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ धोलकुआँ से एक छोटा सा छोटी सी राइड है. मतलब घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था संडे को, तो सोचा एक राइड लेके आ जाऊँ. राइड लेते हैं, आपको बाइक पे मिलते हैं. अब ये रही अपनी बाइक, तो ये आ गए हम अपनी बाइक पे. अभी हम फिलहाल अपने नागलराय में हैं, नागलराय वाले पुल पे हैं. ये इसी पुल से होते हुए जाएंगे आज आगे की तरफ. अपनी बाइक का थोड़ा सा एंजॉय लेंगे, खाली रोड का. यहाँ ना ब्रेकर है, पहले यहाँ पर ब्रेकर बनाने का सबसे बड़ा पता है क्या कारण है? यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पर, पता नहीं क्यों, बट एक्सीडेंट से याद आ गया. वो जो भी चल रहा है हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे या यूट्यूब के जो भी चल रहा है, छोड़ यार उस बात को नहीं करेंगे हम. ये है हमारा पीर बाबा मंदिर. आज पूरी की पूरी रोडें खाली हैं, सारी की सारी रोडें खाली पड़ी है संडे की वजह से. यही तो मज़ा है राइड का संडे को. संडे को सुबह और शाम को, मतलब शाम को फिर भी मिल जाता है कहीं कहीं ट्रैफिक, बट दिल्ली में तो मिल जाता है एज़ यूज़ुअल, कोई बड़ी बात नहीं है. बट हाँ, संडे को बाकी दिन से ट्रैफिक बहुत कम रहता है. बाकी दिन तो सुबह ऑफिस जाओ, ऑफिस में जाते समय इतने खच 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 ट्रैफिक, धीरे 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 हाथ खोलने का वो मौका ही नहीं मिलता है. बट हाँ छोड़ो, अभी हम खाली रोड पे एंजॉय कर रहे हैं अपना आराम से. फिर से ट्रैफिक मिल गया यार. तो संडे के दिन भी छोटा, यहाँ पर तो हमेशा ही मिलेगा, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, यह हमेशा ट्रैफिक मिलेगा. अब हम आ गए हैं दिल्ली कैंट में, एंटर कर चुके हम. ये स्ट्रेट ढोलक में जाएगा, हम इस स्ट्रेट से नहीं जाएंगे, हम मार्केट से होते हुए जाएंगे. थोड़ा चहल पहल देखेंगे तो डायरेक्ट हमें 2 मिनट में पहुंचा देगा, क्योंकि खाली रोड भी खाली होनी चाहिए वहाँ पर. यहाँ सीधे में रोड भी खाली होगी, यही दिख रहा थोड़ा सा ट्रैफिक. भाई सामान लेके जा रहा हूँ, हमने बोर्ड पर लिखा है. वो कहाँ ला जा रहा है कार वाला? अब भाई हर किसी को जल्दी है, जल्दी जल्दी. जबरदस्ती की घुसेड़ रहा है, जबरदस्ती क्रॉसिंग का है. और ये बंदा कहाँ खड़ा है, कार वाला? आने क्या ही सोचते हैं, छोड़ो. काफ़ी देर हो गई ट्रैफिक में, मतलब इसी रेड बत्ती पे हमें. खैर अब खुल गई, ये कार वाले को ज़्यादा जल्दी हो रही, इसे जाने दो पहले. यस, आर्मी पब्लिक स्कूल. मैं तो सर्वोदय से पढ़ा हुआ बंदा हूँ, तो मेरा इस स्कूल में एक बार मैच था. हाँ अभी लॉस, हम हार गए थे वो मैच. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. मैच किस चीज़ का था? वो था कबड्डी का मैच था. हमारी हार गई थी टीम, बट हाँ मैच अच्छा था. स्कूल ही स्कूल एक नंबर लगा था. ये वाला ये जो है ना बगल में हमारे APS स्कूल, बहुत मस्त था ये वाला. अंदर से कैंटीन, हमारे स्कूल में तो कैंटीन वैंटीन कुछ नहीं थी. सर्वोदय बाल विद्यालय जनकपुरी में थे हम, इसके अंदर कैंटीन वगैरह सारी फैसिलिटीज़ दे रखी थी. फ्लैट देख रहे हो, फ्लैट चेक करो, फ्लैट कितने खतरनाक. यहाँ
आपको मतलब यहाँ की रोड ना आपको पूरी नीट एंड क्लीन बहुत अच्छी रोड मिलेगी यहाँ पर इस एरिया में, पूरे दिल्ली में इसी एरिया में भाई जी। मतलब जहाँ तक मैं गया हूँ ये पूरा का पूरा आर्मी एरिया है, बगल में आर्मी वालों की मैस है या आर्मी क्वार्टर्स हैं, सारे के सारे आर्मी वालों का अलाउडेड है। यहाँ की रोड आपको आर्मी पुलिस देखिए, आर्मी पुलिस की बाइक पीछे खड़ी थी भाई यार, बाइक बड़ी मस्त लगती है, बुलेट है होती है शायद, ये बुलेट है लेकिन ग्रीन कलर यार एक नंबर है, एक नंबर। चेक करो कौन सी है, मर्सिडीज, ये मर्सिडीज कौन सी वाली है, E200 भाई। मर्सिडीज कोई भी हो, मेरे को गाड़ियों के ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ मर्सिडीज तो मर्सिडीज है, एक नंबर लग रही है, एक नंबर। आगे से भी पीछे से भी, दीवारों पे कितने मस्त ड्राइंग है। यहाँ पर मंदिर हमारा हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर आते समय अगर इस तरफ से आने का बना तो अंदर दिखाऊंगा। बगल में हमारा पार्क है भाई, इसी पार्क में मेरा एक बार हेलमेट खो गया था, मैं बाइक मतलब बाहर स्कूटी पे आया था किसी दोस्त के साथ, और स्कूटी पे ही हेलमेट रखा, कोई उखाड़ के ले गया हूँ। इस एरिया में भी चोरी थोड़ी मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन हाँ चोर तो कहीं हर कहीं भी हो सकते हैं ऐसे लोग। सामने देखो क्या लिखा हुआ, राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट है। अब आगे हम डायरेक्ट धोलकों वाली रोड पे, यहाँ से सीधे में हमें धोलकों मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा, जो संडे राइड्स होती है ना मॉर्निंग में भाई, उसके नीचे भाई इतनी सारी सुपर बाइक्स दिखती है ना, एक दिन लेंगे हम भी, जब की तब देखेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम है। से ट्रैवल करता था जब तक मेरे पास लाइसेंस नहीं था, आज से 2 साल पहले की बात है, जब मैं बस से ट्रैवल करता था ना कहीं भी, तो मैं कहीं भी कुछ भी फंस जाता था ना कहीं भी, तो मेरे को बस एक ही नंबर याद आता था बस का, 740 मैं किसी से भी यही पूछता था कि 740 कहाँ मिलेगी, 740 क्योंकि डायरेक्ट हमारे सागरपुर स्टैंड पर आती थी। बस घर वालों ने भी यही बता रखा था, कहीं भी फंस जाओ कुछ भी हो जाए बस 740 में बैठना, उसे बोल देना सागरपुर पे उतार दो बस। खैर अभी हम आगे ये ढोलक कुआं वाले इस पे फ्लाईओवर पे, भाई पहले एक टाइम था यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, जब से ये फ्लाईओवर बना ना, रिसेंटली बनाए 1.5 साल हो गया इसको बने हुए है ना, रिसेंटली बनाए 1.5 साल पहले, तब से काफ़ी मतलब राहत है, वरना यहाँ पर 1.5 घंटा लग जाता था जाम में फंसे हुए। हम बस में या बाइक या ऑटो किसी में भी आते थे, 1.5 घंटे यहाँ पर बैठे रहते थे, खड़े खड़े धीरे धीरे सिसकती थी। ये आगे हमारा धोलकुआं मेट्रो स्टेशन हमारे राइट हैंड साइड, एम्स 7.5, इंडिया गेट 7.9, नारायणा 6.5। देखो डिफेंस सर्विस ऑफिसर इंस्टीट्यूट, यहीं लोगों को मतलब डिफेंस के बारे में सिखाते होंगे ना, ट्रेनिंग वगैरह यहीं मिलती होगी दिल्ली में, जो NDA वगैरह के या बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं इंडिया के। इसको ना आप लोगों से एक चीज़ पूछनी थी, मैं इसमें एग्जॉस्ट लगवाऊँ या नहीं, हैं एग्जॉस्ट लगवाऊँ या नहीं, क्योंकि ना इसमें वैसे तो साउंड की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड काफ़ी अच्छा है इसका, स्टॉक एग्जॉस्ट काफ़ी सही है, बट हाँ मैं यूट्यूब पे देख रहा था वीडियोस का, काफ़ी लोगों ने इसमें TVS राइडर में स्टॉक मतलब एग्जॉस्ट अलग से लगवा रखा है, जो कि वाकई में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं इसमें लगवाऊँ या नहीं एक बार आप बता देना कमेंट में, अगर होगा तो मैं लगवा लूँगा कुछ दिन में। संडे को आप कभी मॉर्निंग में आओगे ना इसी पिलर के यहाँ पर, भाई बहुत सारी सुपर बाइक्स खड़ी हुई दिखती हैं इसमें, काफ़ी मतलब 1.5-2 महीने से मैंने हवा नहीं भरा रखी है इस बाइक में, इसके एक प्रेशर चेक नहीं कर रखा है कि इसका क्या है क्या नहीं है। मुझको लग रहा था कि मतलब जब मैंने लास्ट टाइम फ्यूल भरवाया था उस समय लग रहा था कि इसकी हवा में थोड़ा सा टायरों में कम सा लग रहा था, बट हाँ स्टिल उस समय भीड़ थी उस वाली लाइन में, पेट्रोल हवा वाली लाइन में, तो इसलिए नहीं भराया। अभी तो संडे है, आराम से चेक करते हैं क्या होगा। आ गया अपने नंबर हवा भराने का, चेक करते हैं कितना,
भाई वाकई बहुत कम हवा है। 22 थी इसमें, भरवाता हूँ मतलब एक बार मैं जैसे ही मतलब ये रेड वाले हैं ना, जो रेड वाले पे आ जाता तब मैं फ्यूल भराता हूँ, तब इसमें जाता है 800, कभी 805, कभी 803 और कभी 805, मतलब 810 मैक्सिमम, 810 में ये मेरी अभी ये 95 है ना, जैसे ही मैं फ्यूल भराता हूँ ना ट्रिप ए या ट्रिप बी में से किसी को ज़ीरो कर देता हूँ, तब मैं देखता हूँ कितनी चल जा, मतलब एक रिफ्यूल एक रिफ्यूलिंग में कितनी चलती है। तो एक रिफ्यूलिंग में मतलब ईको में ही चलाता हूँ मैं, ईको मोड में ही चलाता हूँ, ईको मोड में ये एक रिफ्यूलिंग में मेरे को 500 तक देते हैं, 500। अब ये 95 है ना, एक डंडा 100 किलोमीटर पे, मतलब ये 500 किलोमीटर चल के इसमें फिर रिफ्यूलिंग होगी, फिर ये रेड बत्ती ब्लिंक करेगी 500 किलोमीटर पे। कभी आप नोटिस करना आपकी बाइक कितना दे रही है, इसका तो मैं माइलेज मतलब इस हिसाब से निकालता हूँ, ये 62 का माइलेज देती है, चलानी तो है ये बाइक चाहे कुछ भी हो, बट हाँ लुक एक नंबर आता है, 125 सीसी में इतना खतरनाक लुक, यार है मेरे को इससे नहीं, मेरी जान है। बच्ची कैसे देख रही थी साइड में, फाइनली ट्रैफिक खुल चुका है, ग्रीन बत्ती हो चुकी है, हम अपने घर की तरफ छठ पूजा देखेंगे, जिसको बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले कि उसकी सुबह शॉपिंग थी, उसका मैसेज आया, मैंने अभी फ़ोन में चेक किया, छठ पूजा की पूजा में बुला रहा है, देखते हैं वहाँ जाएंगे शूट करेंगे तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या होता है, क्या प्रोग्राम बनता है, अभी फिलहाल चलते हैं अभी। भाई यार मैं ना थोड़ा सा आगे निकल गया बातों में, अब मेरे को इस वाले फ्लाईओवर से घूम के जाना पड़ेगा घर। भाई यार आज संडे मार्केट भी लगा होगा, ओ भाई रॉन्ग साइड, वो भी इतनी तेज़ी में, डोमिनार थी वो, बहुत मस्त लगती है यार मेरे को वो डोमिनार बाइक, की वजह आज की काफ़ी पावरफुल बाइक है वो। लेकिन जो सबसे पहली बाइक थी ना मेरी, जिसको मैंने पावर मतलब जहाँ से मैंने फील किया था पावर, पल्सर 220 से थी मेरी, मतलब जहाँ से मैंने सीखने के बाद जो मेरी पहली बाइक थी जिसे मैंने पावरफुल बाइक में, पल्सर 220, भाई मज़ा ही आ गया था उसे चला के यार। मैं उस समय था 16-17 साल का, उस समय पल्सर 220 भाई साहब एक नंबर। दिख रहा हो आप लोगों को तो सामने देखो कितना ट्रैफिक, पता है क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट, अब मैं सोच रहा हूँ कैसे जाया जाएगा इस भीड़ में, क्योंकि यहाँ पर है संडे मार्केट लगा हुआ, अभी से ही दिख रहा है भीड़ तो नहीं होगी, खैर इस टाइम पे तो नहीं होगी क्योंकि अभी मार्केट लगा ही होगा। हाँ हम आ गए अपने संडे मार्केट में, वी आर इन एंटर इन संडे मार्केट, आए गए तो अंदर से चले हैं, मार्केट घूमते हुए चलते हैं, अब आ गए तो कुछ देखेंगे। अब पीछे ही अपना पार्क है, अपने दोस्त वगैरह वहीं खेल रहे हैं, पर मेरा स्कूल भी तो है, अपने मेरा स्कूल दिखाऊं, ये ने अपने गेट के सामने, ये बगल में जो भी दिख रहा है ना ये देखो गेट, मेरा स्कूल, मेरा बचपन इसी स्कूल में बीता है, इन्हीं की वजह से मैं जो हूँ। भाई बहुत मज़े काटे हैं स्कूल में हमने, 10th तक, 11th 12th की तो बात मत करना, 11th 12th में साइंस लेके थोड़ा सा। ये छठ पूजा के थोड़े से शॉर्ट्स हैं जो मैंने दिए, मैं अपने दोस्त की पूजा में था, ये मेरा दोस्त है, अब ये फेस सा बनाएगा, मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ले रखी है, ये मेरा दोस्त आगे चल रहा है, थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं यहाँ की, ये मेले में जा रहे थे हम, इसी के पीछे पूजा हो रही थी, इस अमन के ही पर हो रही है पूजा, यहाँ भी हम मेले में आगे। के लिए इतना ही, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, कुछ नहीं जाता वो सब्सक्राइब का बटन दबाने में। But I know you're not the type to stay.